सनातन धर्म में बिना दीपक प्रज्वलित किए कोई पूजन अनुष्ठान हो ही नहीं सकता, ये तो सभी जानते हैं। दीपक में विराजमान अग्निदेव आपके पूजन और भक्ति के साक्षी बनते हैं, इसीलिए दीपक की महत्वता हमारे धर्म में असीम है। शुभ फल और लक्ष्मी के लिए गौ माता के घी का दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। इसी तरह अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार के दीपक जलाने का विधान है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से शुभ अवसरों पर मोमबत्तियां जलाने का नया चलन सामने आया है। नई पुरानी बॉलीवुड और दूसरी भाषाओं की फिल्मों में ईसाई धर्म और उनके रीति रिवाजों जैसे चर्च में व्हाइट वेडिंग, चर्च में कैंडल्स जलाना वगैरह इतना रोमांटिसाइज करके दिखाया गया है, जिससे हमारे समाज में भी लोगों ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चर्चेज में और कब्रों पर मोमबत्तियां जलाना ठीक हो सकता है, पर हमारे सनातन धर्म में शुभ अवसरों पर दीपक की जगह कैंडल्स जलाना कितना शास्त्र सम्मत है और ऐसा करने से क्या होता है, आइए ये जानने का प्रयास करते हैं। कई सौ सालों से पश्चिमी देशों में मोमबत्तियां बनाने के लिए जानवरों की चर्बी, खासतौर पर बेल मछली की चर्बी का इस्तेमाल होता रहा है। सनातन धर्म में कोई व्यक्ति कितना भी मांसाहारी क्यों ना हो, घर के पूजा के स्थान पर या मंदिरों में पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने का ध्यान अवश्य देता है। मरे हुए जानवरों की चर्बी से जलाई गई अग्नि सात्विक शक्तियों को कभी आकर्षित नहीं कर सकती। आज के समय में पैराफिन वैक्स से मोमबत्तियां बनने लगी हैं, पर देवताओं के समक्ष प्रज्वलित अग्नि का सोर्स क्या है, ये बहुत मायने रखता है। इसे आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि चिता को जलाने वाली अग्नि ही होती है, सड़क पर पड़े कचरे को जलाने वाली भी अग्नि है और सात्विक हवन करने वाली भी अग्नि ही है, पर सबका स्वरूप अलग अलग है। क्या आप जलती हुई चिता से अग्नि लाकर अपने घर का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं? शायद नहीं। आजकल कई धार्मिक कार्यों में लोग दीप माला को मोमबत्ती से ही प्रज्वलित करने लगे हैं, जो कि गलत है। हर पवित्र ज्योत को हमेशा किसी दूसरी संस्कारित अग्नि से ही जलाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि मोमबत्तियां जलाने से क्या होता है। सनातन धर्म में मृत व्यक्ति के शरीर का दाह संस्कार करके उसकी आत्मा को मोक्ष के रास्ते भेजा जाता है। इसके ठीक उलट ईसाइयों और मुस्लिमों में शरीर को अपने ही बीच कब्रों में रहने देते हैं। तो बात साफ है, जब व्यक्ति का शरीर और उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं आसपास ही रहती हैं, तो आत्मा का मोह भंग अपने शरीर से, अपनी चीजों से कभी हो ही नहीं पाता। वो दुखी और कंफ्यूज सी वहीं भटकती रहती हैं, इस आशा में कि शायद कभी उनका शरीर उन्हें वापस मिल जाएगा। उनका घर, उनकी वस्तुएं, उनके परिजन, सब कुछ उनसे आसानी से छूट ही नहीं पाते। ये स्थिति उस आत्मा के लिए अत्यंत कष्टकारी भी होती है। इसी कष्ट और व्याकुलता में कई आत्माएं क्रोधित और अशांत अवस्था में भटकती रहती हैं, और ऐसी आत्माएं क्रोधित और असहाय होने की वजह से जीवित व्यक्तियों को ईर्ष्यावश परेशान करती हैं। ऐसी मृत आत्माओं का अपवित्र और दूषित चीजों से आकर्षण होता है। स्वाभाविक है कि वो भगवान के लिए जलाए गए पवित्र धूप और दीप से आकर्षित नहीं होंगी, वो होंगी चर्बी से जलाए गए दीपक से। यही कारण है कि मृत आत्माओं को आकर्षित और उनसे संपर्क करने के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मोमबत्तियां जलाकर उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। मृत आत्माओं को प्रसन्न और उन्हें बल प्रदान करने के लिए गिरजाघरों में और कब्रिस्तानों में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। आजकल एक मोम के रेडीमेड दीपक भी मिलने लगे हैं बाजारों में, जो कि घी से बने होने का दावा करते हैं। आपसे एक निवेदन है कि इन नकली दीपकों का प्रयोग ना करें, देवता प्रसन्न नहीं होंगे बल्कि रुष्ट हो जाएंगे। गौ माता के शुद्ध घी से ही दीपक प्रज्वलित करें। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग मनोकामना पूरक दीपक देवताओं के समक्ष कैसे लगाएं, इस विषय में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में अवश्य लिखें। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल शंखनाद को सब्सक्राइब करें।